हेलो गाइस, आज मैंने आपको ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन रिले का अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे। इसमें देखिए, एक आपका ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन रिले है, उसको अनबॉक्सिंग किए हैं। अभी देखिए, इसमें आपको दिखा रहे हैं, इसका मॉडल है TR7570। ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, एक तो होता है आपका वेट ट्रांसफार्मर, एक होता है ड्राई ट्रांसफार्मर। तो ये वाला आपको ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन रिले दिखा रहा है, जो आपका ड्राई ट्रांसफार्मर है। 500 kVA, 2000 kVA या 500 MVA, बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर में इसको लगाया जाता है, ताकि उसमें किसी तरह का आपका टेम्परेचर हाई हो, अगर मान लीजिए कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो, वो ट्रिप कर जाता है, तो उसमें ट्रांसफार्मर आपका सेव हो जाता है। अभी हमने इसको खोल रहे हैं, खोल के इसमें कनेक्शन जोड़ेंगे। अभी देखिए, इसमें हम कनेक्शन जोड़ रहे हैं। इसमें आपका 85 to 270 volt AC और DC कनेक्शन आप दे सकते हैं। तो हमने इसमें AC कनेक्शन दे रहे हैं, दे के आपको दिखाएंगे। इसमें चार चैनल है, 1 2 3 4 करके 4 चैनल होता है। इसमें आपका हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज जो है, और आपका मान लीजिए कहीं पर फैन जैसी होता है ट्रांसफार्मर का अंदर में, वो फैन अगर मान लीजिए रुक जाता है या मान लीजिए स्टॉप हो जाता है, कोई कारण से वो जाम हो जाता है, तब भी इसमें अलार्म देना शुरू कर देता है। तो इसमें देखिए, आपका हाई वोल्ट, हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, और इसके बाद आपको साथ में दिखेगा इसमें फैन, जो फैन आपका ट्रांसफार्मर लगा रहता है। अगर मान लीजिए टेम्परेचर हाई हो जाता है तो इसमें अलार्म बजना शुरू हो जाता है, अगर वेरी हाई हो जाता है तो ट्रिप कर जाता है। तो इसमें सर्किट वैसे ही बना हुआ है, तो इसमें ट्रांसफार्मर का कनेक्शन इसमें जोड़ देने से, तो इसका हिसाब से उसका टेम्परेचर उसमें शो करता रहता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ट्रिप कर जाएगा। तो देखिए, अभी हमने इसको कनेक्शन जोड़ दिए हैं, अभी इसको हम पावर दे रहे हैं। पावर कनेक्शन देंगे, देने के बाद आपको दिखाएंगे। इसमें 1 2 3 4 चार चैनल इसमें आएगा, देखिए आपको दिखा रहे हैं। देखिए, चैनल नंबर 1 दिख रहा है आपको, फिर इसके बाद दिखेगा 2, इसके बाद फिर आपका 3 दिखेगा। तो इस तरह से ये 4 तक जाएगा, ये 4 चैनल है। तो इसमें टेम्परेचर आपका कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने कोई ट्रांसफार्मर के साथ लगाया नहीं है। इसमें माइनस में दिखेगा, इसके बाद कुछ बार फॉल्ट आ जाएगा। तो हमने इसको खाली टेस्ट यही किया है कि ये सही है या नहीं, मतलब टेस्ट अनबॉक्सिंग किया और टेस्ट करके देख लिए, इट इज ओके। तो गाइस, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे जरूरतमंदों तक पहुँचाइए जहाँ पर इसका जरूरत है। थैंक यू गाइस।